इस समय हम लोग खड़े हैं ताजपुर पहाड़ी के इस खान के पास, जहां यहां के स्थानीय विधायक नारायण दत्त शर्मा के कोटे से उनके द्वारा लाया गया एक बारात घर बन रहा है। बारात घर बनाने का उद्देश्य है कि यहां के लोगों की भलाई के लिए, यहां के जनता की सेवा के लिए, यहां के बेटी बहनों की शादी के लिए इस बारात घर में लोगों को सेवा दी जा सके। इस बारात घर का निर्माण कार्य चालू है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। बारात घर बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। यह स्थानीय विधायक नारायण दत्त शर्मा के प्रयास से संभव हो सका है और यहाँ के लोगों को एक बहुत बेहतरीन सुविधा मिलने जा रही है। लेकिन यहाँ इस समय हुंकार 24/7 की टीम इसलिए आई है कि ये बारात घर यदि बन के तैयार होता है तो यहाँ जो भी इवेंट होंगे, जब भी शादियाँ होंगी, लोग खाना पीना भी करेंगे, बारात की महफिल सजेगी। लेकिन ठीक इसी बाउंड्री वॉल के साथ सटे हुए, मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन से आप कैमरा थोड़ा सा मूव करें, मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। कैमरा आप मूव करें, सामने एक जो है ढलाव घर बनाया जा रहा है। ये ढलाव घर मतलब MCD का सारा कूड़ा यहीं पे जमा किया जाएगा। ये जो ढलाव घर बन रहा है सामने आप देख रहे हैं, हरे शेड के अंदर ये लाल शटर लगा करके ये ढलाव घर है जो MCD के द्वारा बनवाया जा रहा है। MCD इस इलाके का कचरा ला करके यहाँ पे डालेगी, मतलब एक तरफ बारात घर की महफिल सजी है, लोग खाना खा रहे हैं, और दूसरी तरफ से डायरेक्ट बीमारी, यहाँ से उठती बदबू, यहाँ के बजबजाते कूड़े के ढेर से निकलती बीमारियाँ। लगता ऐसा है कि कहीं ना कहीं राजनीति की चक्की यहाँ भी चल रही है, जिसमें एक बार फिर बदरपुर की जनता को बदरपुर के घिनौने राजनीति के चक्की में पीसना पड़ेगा। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए, यहाँ क्या करते हैं और आपका नाम क्या है और यहाँ क्या दिक्कत हो रही है काम करने में आप लोगों को, ये सब बताइए। साहब हम लोग ये बारात घर बनाने आए हैं साहब, हम लोग मिस्त्री का काम करते हैं जी। ठीक है साहब, अब यहाँ से ये गंध गिरता है तो ये गंध से बहुत बदबू आती है। ठीक है, खाना भी हराम है यहाँ पे, खांसी के मारे परेशान है सर। ठीक है, और इस गंध से बहुत परेशान है हम लोग, और सारी लेबर को इतनी परेशानी के सारे इतनी दवाई करा ली है, खांस खांस के कोई दम नहीं निकलती हम लोग, इतनी गंध आती है सर। ठीक है, और हमें बहुत प्रॉब्लम है इससे, बहुत दिक्कत है इससे जी। हाँ, तो इसमें से बदबू निकलती रहती है दिन भर? हाँ बिल्कुल, सारे दिन निकलती है और रात में भी निकलने लगती है। रात में भी हम लोग अपना झुग्गी को बंद करके ही सोते हैं उसको। ठीक है, हमें बहुत बहुत दिक्कत है इससे जी। चलिए, थैंक यू। आप ये बताइए, यहाँ जो कूड़ा घर है इससे आप लोगों को क्या परेशानी होती है? इससे बदबू आती है, खांसी आती है, जुकाम भी होता है, खाना नहीं खाते है इससे, और इससे परेशानी है ज्यादा। तो जब बेटी बहनों की यहाँ शादी होगी, ये बारात घर बन रहा है, तो उस समय मेहमान लोग कैसे रुकेंगे, कैसे खाएंगे? और कजा सब साफ सफाई होगी जब ही तो रुकेंगे। हाँ। ना तब तो बदबू आएगी तो नहीं रुकेगी, नहीं रुकेंगे, कोई नहीं, गंदी बनाता। मतलब इनका कहना है कि यहाँ पे बारात घर की कल्पना करना कूड़ा घर के साथ साथ बेमानी है। को क्या परेशानी है? मेरी परेशानी है, 4-5 दिन से रोटी में नहीं खा रहा हूँ बदबू से मैं। इतनी गंदी आ रही है कचड़े का। तो आप लोग यहीं पे रहते हैं झुग्गी बना के? हाँ, यहीं झुग्गी बना, झुग्गियों में रहते हैं और दिन भर बदबू उठती रहती है। बदबू जी। हाँ जी, तो ये इस सड़ांत बदबूदार माहौल में रहने को विवश यहाँ के मजदूर जो बारात घर में लगे हुए हैं, बगल में कूड़ा घर, साथ में बारात घर। आप लोग यहाँ बारात घर में काम कर रहे हैं, यहाँ ये कूड़ा घर होने से कोई दिक्कत है आपको? साहब देखो, यहाँ बारात घर बन रही है, यहाँ बदबू आती है, खाने खाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसके लिए आप कुछ उपाय कीजिए। आज बन गया बारात घर, कल बारात आएंगे, बहुत से लोग आएंगे, भाई बहने, मम्मी पापा सब आएंगे, खाना खाएंगे, बदबू मारेगा, खाना भी नहीं खाएंगे। हम लोग इस समय खड़े हैं मोलर बन के ताजपुर पहाड़ी के घाटी पर बन रहे ये खान के साथ बन रहे MCD का ढलाव घर।
इलाके का कूड़ा यहाँ लाके जमा किया जाएगा और यहाँ से जो है आगे ले जा करके कूड़े का डिस्पोज किया जाएगा। ये कूड़े की बदबूदार महक सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ को प्रभावित करेगी तो इसके साथ बन रहे इस बारात घर को। मेरे कैमरा पर्सन जो है थोड़ा सा पैन करेंगे अपने कैमरे को और दिखलाएंगे MCD का कूड़ा घर और स्थानीय विधायक का बारात घर, दोनों साथ साथ। इस बारात घर और इस कूड़े घर दोनों के बीच में जो माहौल बनेगा, बारात घर में आने वाले मेहमान, वहाँ खाने खाने वाले लोग यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे? एक बीमारी। जिम्मेदार कौन है? जिन लोगों ने MCD के लिए यहाँ पे प्रस्ताव रखा या जिन अधिकारियों ने बारात घर को यहाँ साथ में बनाने का रिकमेंडेशन दिया, इसकी जिम्मेदारी आखिर किस पर बनती है? क्या बारात घर में लगाया गया बजट पूरी तरह से कामयाब हो पाएगा? या तो बारात घर या कूड़ा घर। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, बात करते हैं इनसे। सर ये बताइए, यहाँ ये कूड़ा घर और साथ में बारात घर, ये दोनों के बारे में क्या कहना है आपका? सर कूड़ा घर तो बारात घर के बराबर में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कूड़ा घर बारात घर के बराबर में होगा तो यहाँ से इतनी स्मेल आएगी कि खाना दुश्वार हो जाएगा। और मेरे यहाँ लेबर भी काम कर रही, अभी भी इतनी स्मेल आ रही है, खाना खाने पर तो पता नहीं कितनी आएगी। तो एक बात आप हमें बताइए, ये बारात घर पहले यहाँ से प्रस्तावित था, बनना था, या पहले कूड़ा घर? पहले कूड़ा घर बना हुआ पहले से। अच्छा, हाँ जी। तो ये बारात घर उसके साथ सटा करके जो है बाद में बनना काम शुरू हुआ? बाद में बनना शुरू हुआ है, स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ था। नहीं, आपको क्या ये आइडिया है कि दोनों में पहले कौन सा पास हुआ था? ये तो नहीं मालूम, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये तो मुझे मालूम कि जब मेरा ये बारात घर का काम शुरू हुआ तो ये बना हुआ था स्ट्रक्चर, ये बना हुआ था जी। चलिए, आप सर बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है? मैं ये बारात घर का ठेकेदार हूँ और बारात घर का काम चालू करवा रहा हूँ। मजदूर आपके काम कर रहे हैं? ये मजदूर मेरे काम खड़े लग रहे हैं। और बारात घर जो है इस कूड़ा घर के सटके था, तो हमने रिक्वेस्ट करके और इस बारात घर को तकरीबन जो है 20 मीटर या 30 मीटर के दायरे से पीछे लेके गए हैं, तब भी बदबू इतनी आती है कि मेरी लेबर को तीसरे दिन या चौथे दिन जो है दवाइयां दिलानी पड़ती है, आंखों में जो है बहुत जलन होती है उनके। और मेरे ख्याल से खाना तो बहुत दूर है, अगर बारात घर साफ बैठ भी नहीं सकती इस कूड़ा घर की वजह से, तो इस बारात इसको जो है क्या नाम से कूड़ा घर जो है इसको कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए, बहुत जगह इनके पास में, कहीं भी इसको ट्रांसफ़र करें ताकि ये बारात घर जो है अपने सुरक्षित रहे और जनता अपना पेट भर के खाना खा सके। इनका कहना है कि बारात घर यहाँ पे बारात के लोग खाना क्या खाएंगे, यहाँ इतनी बदबू रहेगी कि लोग यहाँ आना भी पसंद नहीं करेंगे। तो या तो बारात घर या तो MCD का ये ढलाव घर, दोनों में से किसी एक को यहाँ से डिमोलिश करना पड़ेगा। सरकारी बजट की बर्बादी या MCD की मनमानी, ये क्या कुछ है, ये सब कुछ आने वाला वक्त बतलाएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन कुंदन कुमार के साथ मैं धनंजय चौबे, हुंकार 24/7, बदरपुर, नई दिल्ली। We'll be right back.